पार्वती का पिता के घर में सत्कार, महादेव जी की नकलीला का चमत्कार, उनका मैना आदि से पार्वती को मांगना और माता पिता के इनकार करने पर अंतर्ध्यान हो जाना। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, भगवान शंकर के अपने स्थान को चले जाने पर सखियों सहित पार्वती भी अपने रूप को सफल करके महादेव जी का नाम लेती हुई पिता के घर चली गई। पार्वती का आगमन सुनकर मैना और हिमाचल दिव्य रथ पर आरूढ़ हो हर्ष से विहल होकर उनकी अगवानी के लिए चले। पुरोहित, पुरवासी, अनेका अनेक सखियां तथा अन्य सब संबंधी भी ये वहां आ पहुंचे। पार्वती के सारे भाई मैनाक आदि बड़े हर्ष के साथ जय जयकार करते हुए उन्हें घर ले आने के लिए गए। इसी बीच में पार्वती अपने नगर के निकट आ गईं। नगर में प्रवेश करते समय शिवा देवी ने माता पिता को देखा, जो अत्यंत प्रसन्न और हर्ष से बिहर्चित होकर दौड़े चले आ रहे थे। उन्हें देखकर हर्ष से भरी हुई काली ने सखियों सहित प्रणाम किया। माता पिता ने पूर्ण रूप से आशीर्वाद दे पुत्री को छाती से लगा लिया और ओ मेरी बच्ची ऐसा कहकर प्रेम से बेहाल होकर रोने लगे। तत्पश्चात अपने घर की दूसरी स्त्रियां तथा भाभियों ने भी बड़ी प्रसन्नता के साथ प्रेम पूर्वक उन्हें भुजाओं में भरकर भेंटा। देवी, तुमने अपने कुल का उद्धार करने वाले उत्तम कार्य को अच्छी तरह सिद्ध किया है। तुम्हारे सदाचरण से हम सब लोग पवित्र हो गए हैं। ऐसा कहकर सब लोग हर्ष के साथ पार्वती की भूरी भूरी प्रशंसा करते हुए उन्हें प्रणाम करने लगे। लोगों ने चंदन और सुंदर फूलों से शिवा देवी का सानंद पूजन किया। उस अवसर पर विमान पर बैठे हुए देवताओं ने पार्वती को नमस्कार करके उन पर फूलों की वर्षा करते हुए स्तुति की। नारद, उस समय तुम्हें भी एक सुंदर रथ पर बिठाकर ब्राह्मण आदि सभी लोग नगर में ले गए। फिर ब्राह्मणों, सखियों तथा दूसरे स्त्रियों ने बड़े आदर के साथ शिवा का घर के भीतर प्रवेश कराया। स्त्रियों ने उनके ऊपर बहुत सी वस्तुएं निछावर की। ब्राह्मणों ने आशीर्वाद दिए। मुनीश्वर, पिता हिमवान और माता मेनका को बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने अपने गृहस्थ आश्रम को सफल माना और यह भी अनुभव किया कि कुपुत्र की अपेक्षा सुपुत्री ही श्रेष्ठ है। गिरिराज ने ब्राह्मणों और बंदीजनों को धन दिया और ब्राह्मणों से मंगल पाठ करवाया। मुनि, इस प्रकार पार्वती के साथ हर्ष भरे माता पिता, भाई और तथा भौजाई भी घर के आंगन में प्रसन्नता पूर्वक बैठे। तदनंतर हेमवान प्रसन्नता चित्त से सबका आदर सत्कार करके गंगा स्नान के लिए गए। इस बीच में सुंदर लीला करने वाले भक्त वत्सल भगवान शंभु एक अच्छा नाचने वाला नट बनकर मेनका के पास गए। उन्होंने बाएं हाथ में सींग और दाहिने हाथ में डमरू ले रखा था। पीठ पर कथरी रखोड़ी थी, लाल वस्त्र पहने और वे भगवान रुद्र नाच और गाने से अपनी निपुणता का परिचय दे रहे थे। सुंदर नट का रूप धारण किए हुए भगवान शिव ने मेनका के पास बैठी हुई स्त्रियों की टोली के समीप एक सुंदर नृत्य किया और अत्यंत मनोहर नाना प्रकार के गीत गाए। उन्होंने वहां सुंदर ध्वनि करने वाले शंख और डमरू को भी बजाया तथा नाना प्रकार की बड़ी मनोहारी लीला की। नटराज की उस लीला को देखने के लिए नगर के सभी स्त्री पुरुष और बालक तथा वृद्धा भी सहसा वहां आ पहुंचे। मुने, उस समधुर गीत को सुनकर और मनोहर उत्तम नृत्य को देखकर वहां आए हुए सब लोग तत्काल मोहित हो गए। मैना भी मोह गई। उधर पार्वती ने अपने हृदय में भगवान शंकर का साक्षात दर्शन किया। वे त्रिशूल आदि चिन्ह धारण किए अत्यंत सुंदर दिखाई देते थे। उनका सारा अंग विभूति से विभूषित था। वे हड्डियों की माला से अलंकृत थे। उनका मुख सूर्य, चंद्र एवं अग्नि रूप तीन नेत्रों से उद्दासित था। उन्होंने नाग का यज्ञोपवी धारण किया था। उनके उस सुरम्य रूप को देखकर दुर्गा प्रेमोवश से मूर्छित हो गई थी। गौरव वर्ण विभूषित दीन बंधु, दया सिंधु और सर्वथा मनोहर महेश्वर पार्वती से कह रहे थे कि वर मांगो। अपने हृदय में विराजमान महादेवी को इस रूप में देखकर पार्वती देवी ने उन्हें प्रणाम किया और मन ही मन यह वर मांगा कि आप मेरे पति हो जाइए। प्रीति युक्त हृदय से शिवा को वैसा कल्याणकारी वर देकर वे पुनः अंतर ध्यान हो गए और वहां पूर्ववत भिक्षा मांगने वाला नट बनकर उत्तम नृत्य करने लगे। उस समय मैना सोने की थाली में रखे हुए बहुत सुंदर से रत्न ले उन्हें
प्रसन्नता पूर्वक देने के लिए गईं। उनका वह ऐश्वर्य देखकर भगवान शंकर मन ही मन बड़े प्रसन्न हुए, परंतु उन्होंने उन रत्नों को स्वीकार नहीं किया। वे भिक्षा में उनके पुत्र शिवा को मांगने लगे और पुनः कौतुक वर सुंदर नृत्य एवं गान करने को उद्यत हुए। मैना उस भिक्षुक नट की बात सुनकर अत्यंत कुपित हो उठी और उसे डांटने फटकारने लगी। उनके मन में उसे बाहर निकाल देने की इच्छा हुई। इसी बीच गिरिराज हेमवान गंगा जी से नहाकर लौट आए। उन्होंने अपने सामने उस नराकर भिक्षुक को आंगन में खड़ा देखा। मैना के मुख से सारी बातें सुनकर उनको भी बड़ा क्रोध हुआ। उन्होंने अपने सेवक को आज्ञा दी कि इस नट को बाहर निकाल दो। मुनिश्रेष्ठ नटराज विशालकाय अग्नि की भांति अपने उत्तम तेज से प्रज्वलित हो रहे थे। उन्हें छूना भी कठिन था, इसलिए कोई भी उन्हें बाहर नहीं निकाल सका। तात, फिर तो नाना प्रकार की लीलाओं में विशारद उन भिक्षु शिरोमणि ने शैलराज को अपना अत्यंत प्रभाव दिखाना आरंभ किया। हिमवान ने देखा भिक्षुक ने वहां तत्काल ही भगवान विष्णु का रूप धारण कर लिया है। उनके मस्तक पर किरीट, कानों में कुंडल और शरीर पर पीत वस्त्र शोभा पाते हैं। उनके चार भुजाएं हैं। हिमवान ने उनके पूजा के समय गदाधारी श्री हरि को जो जो पुष्प आदि चढ़ाए थे वे सब उन्होंने भिक्षु के शरीर में और मस्तक पर देखे। तत्पश्चात गिरिराज ने उन भिक्षु शिरोमणि को जगद्रष्टा चतुर्मुखी ब्रह्मा के रूप में देखा। उनके शरीर का वर्ण लाल था और वैदिक सूक्त का पाठ कर रहे थे। तदनंतर शैलराज ने उन्हें कौतुकारी नटराज को एक क्षण में जगत के नेत्र रूप सूर्य के आकार में देखा। तात, इसके बाद वे महान अद्भुत रुद्र के रूप में दिखाई दिए। उनके साथ पार्वती देवी भी थीं। वे उत्तम तेज से संपन्न रमणीय रुद्र धीरे धीरे हंस रहे थे। फिर वे केवल तेजोमय रूप में दृष्टिगोचर हुए। उनका यह रूप निराकार, निरंजन, उपाधि शून्य, निरीह और अत्यंत अद्भुत था। इस प्रकार हिमवान ने उनके बहुत से रूप देखे। इनमें उन्हें बड़ा विस्मय हुआ और वे तुरंत ही परमानंद में निमग्न हो गए। तदनंतर सुंदर लीला करने वाले उन भिक्षु शिरोमणि ने हिमवान और मैना से दुर्गा को ही भिक्षा के रूप में मांगा। दूसरी कोई वस्तु ग्रहण नहीं की, परंतु शिव के माया से मोहित होने के कारण शैलराज ने उनकी उस प्रार्थना को स्वीकार नहीं किया। फिर भिक्षु ने कोई वस्तु नहीं ली और वहां से अंतर ध्यान हो गए। तब मैना और शैलराज को उत्तम ज्ञान हुआ और वे सोचने लगे, भगवान शिव हमें अपनी माया से छलकर अपने स्थान को चले गए। यह विचार कर उन दोनों की महान शिव में पराभक्ति हुई, जो महान मोक्ष के प्राप्ति कराने वाली दिव्य तथा संपूर्ण आनंद प्रदान करने वाली है।